पता नहीं ये कोरोना जो है मैंने दुनिया में और किसी को नहीं परेशान कर रहा है, ये मध्यम वर्गीय लोग हम लोगों को ही काहे परेशान कर रहा है, सरकार हम ही लोगों की दुकान पर क्यों लगा हुआ है। मान लीजिए अभी रोड साइड में जितना भी मॉल है, कपड़े का दुकान है, सब तो खुला हुआ है, हटिया क्यों बंद है? आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में, आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम गोड्डा के बड़ी हटिया में हैं जो कि चैती दुर्गा के समीप लगता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। कारण बता देते हैं कि यहाँ पर ये लोग सदियों से इस हाट में कपड़े का बिजनेस करते हैं, जिसको कि फेरी वाला हम लोग कहते हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि पहले यहाँ पर ये लोग कपड़ा का व्यापार करते थे, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन अब जो है इन लोगों को यहाँ पर कपड़े का व्यापार करने से मना किया जा रहा है। कारण क्या है ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम आपका? प्रभास कुमार पाल। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, हम लोग कपड़ा दुकान लेके आते हैं, मना कर रहा है कि हटिया नहीं लगाने यहाँ पर। कौन मना कर रहा है? हटिया मालिक बोलता है, हम तो हटिया मालिक हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत तो वही बता सकेंगे। क्या आप लोग यहाँ से जो टैक्स होता है वो नहीं देते हैं? हम लोग पहले देते थे, सब दे रहे हैं। इसके बाद भी फिर भी मना कर रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि हम लोग देखिए आज 6 महीना से जो बैठे हुए हैं, हम लोग का खाना पीना सब दुश्वार हो गया है, पूंजी सब खत्म हो गया है, और अगर हटिया नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? बोलिए, आज सब जगह हटिया बाजार में आपका सब जगह खुल गया, खाली गोड्डे हटिया बंद है। मान लीजिए अभी रोड साइड में जितना भी मॉल है, कपड़े का दुकान है, सब तो खुला हुआ है, हटिया क्यों बंद है? कितना दिन से आप लोग परेशान? हम लोग 6 महीना से परेशान। 6 महीना? हाँ, मार्च से। अरविंद कुमार वैद्य। सब लोगों का स्थिति यह है कि जितना भी हटिया मालिक यहाँ पे हम लोग हटिया करने वाले हैं, दुकानदार है, सबकी स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। हर जगह का जब हटिया हो गया चालू, इसके बाद जितना दुकान है, दुकानें सब 8 बजे तक खुलने लगी है। तो हम लोगों का ये है आग्रह सरकार से कि हम लोग का भी हटिया का समय मिलना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन हटिया लगता है, शनिवार और मंगलवार, तो इसका कोई रूटीन बनाना चाहिए जिससे कि हम लोगों का भी हटिया चल सके और रोजी रोटी हम लोगों का भी। स्थिति सब हटिया वालों का दयनीय हो गया है, सबकी गरीबी ऐसे छा गया है कि परेशानी हो गया सबके घरों में। जो भी स्थिति पहले का था, आदमी का सब खा पी के बैठा हुआ है और हटिया का कोई पता ही नहीं चल रहा है कब लगेगा, कोई निश्चित भी इसका नहीं हो रहा हटिया लगे। सब ये आशे में बैठे हैं कि आज ना तो कल लगेगा, और हर रोज़ हम लोग आते हैं, हर हटिया आते हैं, सब आदमी घूम घूम के चले जाते हैं। आज भी सब आए हैं, जितना भी है सब भाई बंधु हमारा, सबका स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। इसलिए आज हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को भी एक टाइम दिया जाए कि किस टाइम से किस टाइम तक हम लोग हटिया लगाएंगे, उस तरह से कोई निर्णय किया जाए। ये आपके माध्यम से आपका आप लोगों का भी परेशानी, हाँ परेशानी दूर हो, आपके चैनल से हम ये बोलना चाहते हैं सरकार को। कितने दिन से हटिया बाजार कर रहे हैं? यहाँ हम मोटा मोटी 20-25 साल से हटिया करते हैं। अभी कोई परेशानी? कभी कोई परेशानी नहीं हुआ। ये लॉकडाउन से परेशानी है, हम लोग गरीब आदमी है, किसी तरह खाते कमाते हैं, हम लोग लोन लेके पैसा चलाते हैं, दुकान ग्रुप जैसे चलाते हैं। ग्रुप वाला को पैसा नहीं देंगे तो हम लोग का घर पर आके गाली बात बोलता है, और कैसे कल चलेंगे? हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं, एकदम परेशानी हाल हो गया है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी तरह आग्रह करते हैं हम लोग कि हम लोग को दुकान खोल दिया जाए और हम लोग 10 टका कमाए जो बाल बच्चा को पोस ले। बहुत हम लोग लाचार है। लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि लगातार विभिन्न वर्गों पे जो है इसका मार पड़ा, हम तो कहेंगे हर एक वर्गों पर इसका मार पड़ा है, और ऐसे में ये इन फेरी वालों के साथ जो समस्याएं अभी उत्पन्न हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, गोड्डा जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानते हैं कितना दिक्कत लॉकडाउन में उठाना पड़ा है। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है सर, जब से आज 6 महीना से हम लोगों को एकदम भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं, सारा पूंजी खा गया है। पता नहीं ये कोरोना जो है मैंने दुनिया में और किसी को नहीं परेशान कर रहा है, ये मध्यम वर्गीय लोग हम लोगों को ही काहे परेशान कर रहा है, सरकार हम ही लोगों की दुकान पर क्यों लगा हुआ है? बाकी सब दुकान खुल गया, सब चीज़ खुल गया, सब जगह भीड़ हो रही है, ये हटिए के लिए हम ही लोगों के लिए बना, हटिया में भी बहुत सब चीज़ खुला हुआ है, एक सिर्फ कपड़े वाले का ही दुकान क्यों बंद है, हमको समझ में नहीं आता है। बाकी सब हटिया खुल गया, सारा जगह हटिया खुल गया, बड़ा बड़ा हटिया, डुमरिया हटिया लॉकडाउन में से रविवार को लग रहा है, एक गोड्डी हटिया नहीं बंद रहा है, चंद्रा हटिया लग रहा है, सब हटिया लग रहा है, गंगमारा भी लग रहा है, ये गोड्डी हटिया कल ऐसा नौबत क्यों? हाट का जो टैक्स होता है क्या वो आप लोग देते हैं? 110 रुपया तय पर हाट, पर हाट फिर भी दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ जो समस्या है, सचमुच में इसमें विचार करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग हाट मालिक के पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर हाट लगने क्यों नहीं दिया जाता है।
हमारे साथ हटिया के मालिक हैं, इनसे बात करेंगे कि क्यों दिक्कतें हो रही है फेरी वाला को। समस्या ये है कि सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन में हटिया बंद है, हटिया का भी कोई आदेश मेरे पास आया नहीं कि हटिया आपको लगाना है। कुछ दुकानदार आके परेशान है कि नहीं दुकान लगाएंगे, हम कह रहे हैं भाई मेरे पास कोई आदेश नहीं है, हम पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, हमारा पदाधिकारी से बात भी हुआ है, अभी हमको उधर से कोई जवाब नहीं मिला है। जैसे जवाब मिलेगा कि नहीं हटिया लगाना है, सरकार का आदेश हो जाएगा तो हटिया लगेगा। मतलब कितना दिक्कत हो रहा है, अगर हाट नहीं लग रहा तो आप जिस तरीके से इसको डाक लिए हैं, पैसों को लेकर दिक्कतें हो रही होंगी, किस तरीके से आप अभी ये परेशानी को तो मान लीजिए। लॉकडाउन लगने से आज एक साल हो गया, इस बार में 9 महीने से हटिया बंद है, 9 महीने से हटिया का सारा दुकानदार परेशान है, यहाँ नहीं सब जगह का हटिया बंद है। कुछ कुछ हटिया अगल बगल गांव देहात का लोग नुका चुरा के खोल भी रहा है। सवाल है कि शहर का हटिया है, सरकार के आदेश पर पदाधिकारी लोग हटिया का के बंद किया है, और जब तक पदाधिकारी का आदेश नहीं हो जाएगा, SDO साहब का आदेश हो या DC साहब का आदेश हो, उनका जब तक आदेश नहीं होगा हम हटिया कैसे लगवाएंगे। उनका आदेश होने के बाद ना हटिया लगेगा। सबके साथ मान लीजिए ठेकेदार को भी परेशानी है, हम भी परेशानी झेल रहे हैं। क्या कहेंगे आप सरकार? सरकार से कहेंगे कि अगर सब जगह खुल रहा है, अगर सरकार का आदेश हो तो गुड्डा हाट भी खुले, गरीब घर वालों को दुकानदार जो आवे कमावे, लोगों का रोजी रोटी पे आफत हो गया है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ फेरी विक्रेताओं के साथ साथ हटिया मालिक भी परेशान हैं कि जिस तरीके से सभी जगह पर हटिया खुल चुका है, यहाँ भी हटिया खुलने का आदेश मिले ताकि सबों को राहत मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रूपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर।